अरुणिता कांजीलाल के बाद कोलकाता से आई एक और शानदार सिंगर अनन्या। जी हाँ दोस्तों, सारेगामापा म्यूजिक का त्यौहार शुरू हो चुका है और भारत के कई हिस्सों से हमें अजीब और खतरनाक कंटेस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। अजीब इसलिए क्योंकि हर एक कंटेस्टेंट अपने आप में एक अलग प्रतिभा लेकर आता है और ऐसी ही एक यूनिक प्रतिभा नई आर्ट को लेकर मंच पर आई अनन्या चक्रवर्ती और ये थी कोलकाता से। वैसे कोलकाता ने भारत को बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई सारे नामी सिंगर दिए जैसे बप्पीदा, प्रीतम चक्रवर्ती, अभिजीत भट्टाचार्य, अनजान दत्त, कई सारे। और पिछले इंडियन आइडल सीजन 12 के सीजन में भी हमें अरुणिता कांजीलाल मिली थी। वैसे वो शो को नहीं जीत पाई पर उन्होंने पूरे भारत की जनता का दिल जरूर जीत लिया। और इस बार सारेगामा प के मंच पर आई हैं अनन्या चक्रवर्ती और इनके भी यूनिक टैलेंट, इनके ऑडिशन की परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि सारेगामा प के मंच पर इनकी जर्नी बेहद खतरनाक होने वाली है। इन्होंने फिल्म लुटेरा का मोंटारे गाना गाया और इनकी परफॉर्मेंस पर रिएक्शन कुछ इस तरह से थे। सारी जूरी इनकी परफॉर्मेंस का खड़े होकर स्वागत कर रही थी। तीनों जजेस तालियों की गड़गड़ाहट से खड़े होकर गर्मजोशी से इनका स्वागत कर रहे थे। तो वहीं विशाल ददलानी इस गायकी के फैन हो गए और उन्होंने कहा कि आपने तो मेरा दिन बना दिया। इस तरह से ये अलग टाइप के सिंगिंग हमें सुनने को मिलने वाली है सारेगामा प के इस लेटेस्ट सप्ताह। तो दोस्तों, क्या आप अनन्या चक्रवर्ती का ये ऑडिशन परफॉर्मेंस देखने को उत्साहित हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये टॉप 12 में जगह बना पाएंगी? आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।